स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे टेस्ट के बारे में जो है जिग जैग रन। जिग जैग नाम सुनने से लग रहा है कि कुछ यहाँ पर रेंडमनेस होने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे सारी बातें करने वाला हूँ वीडियो में, आप लोग लास्ट तक बने रहना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में कि यहाँ पर इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, दूसरा हमारा पर्पस क्या होने वाला है इस टेस्ट को कराने का, और तीसरा अगर इस टेस्ट में कोई पार्टिसिपेंट कोई सब्जेक्ट भाग लेना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, यानी कि प्रोसीड्योर की हम बात करेंगे। तो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम लोग को यहाँ पर 16x10 फीट की एक स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और ये स्पेस आपको फील्ड में बनानी है, ठीक है। ऐसे स्पेस को खोजना है जहाँ पर फ्लैट सर्फेसिस हो, ऐसा नहीं कि किसी एथलीट्स की किसी सब्जेक्ट्स का वहाँ पर इंजुरीज हो जाए इस टेस्ट को करने के दौरान। तो 16x10 फीट का आपको एक स्पेस खोजना है, ठीक है। दूसरा है कि आपको यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स चाहिए। अब ऑब्स्टेकल्स क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर जब आप रोड ट्रैफिक में या कहीं पर भी ट्रैफिक वाली चीज़ों पर कुछ इस तरह के कॉनिकल आपको यहाँ पर पार्ट्स दिखते होंगे जो जनरली आपके ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है। तो आपको ये चाहिए 5, यानी कि नंबर ऑफ जो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे होने वाले हैं वो 5 होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट में स्टॉप वॉच, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल्स, ये 2, 3, 4, 5 ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। पर्पस क्या होने वाला है यहाँ पर, टू टेस्ट द एजिलिटी एंड स्पीड, ठीक है। अब एजिलिटी क्या होता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है कि आप अपने स्पीड को तुरंत चेंज कर देंगे, डायरेक्शन ऑफ स्पीड को चेंज कर देंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एजिलिटी एंड स्पीड को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीड्योर के बारे में। मेरा सबसे पहला प्रोसीड्योर है कि द सब्जेक्ट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम स्टैंडिंग स्टैंड पोजिशन आफ्टर कमांड रन। जो आपके यहाँ पर टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे वहां पर एक ट्रेनर होंगे, आपको स्टैंडिंग स्टैंड पोजिशन में आ जाना है, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टैंडिंग स्टैंड पोजीशन क्या होता है, और जैसे वो ट्रेनर कमांड देंगे रन का तो आपको वहां से अपनी रनिंग को स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब रनिंग मान लो कि आपका ये स्पेस है 16x10 का, मान लो कि आप ए से स्टार्ट करते हो, तो मान लो यहां से आपने स्टार्ट किया दौड़ना, ठीक है, यहां से यहां तक आए ऐसे आपने किया, फिर यहां पर आपको इधर इधर फिर जाना है, ठीक है, फिर आपको सी पे जाना है, फिर आना है आपको इधर से, फिर आपको फिर ऐसे दौड़ के ऐसे करके कंप्लीट करना है। तो एक जिग जिग बना हुआ है, रेंडमनेस यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से पहले ऐसे गए, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, वेट, ठीक है। आपको क्या करना है, ए से मान लो आपने स्टार्ट किया, यहाँ से आप कुछ ऐसे गए, ठीक है, फिर आपने ऐसे मुड़ा इधर गए, ठीक है, फिर सी की तरफ गए, फिर वापस आपने आया यहाँ पर, फिर ऐसे करना है, कुछ ऐसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, ये हो गया। द सब्जेक्ट्स रन इन द प्रिस्क्राइब्ड पैटर्न स्टेटेड टू देम। जो भी करेंगे हमारी यहाँ पर जो पैटर्न है वो तैयार की गई है कि आपको ए से पहले ऐसे दौड़ना है, फिर ऐसे करना है, यहाँ पर एक प्रिस्क्राइब्ड पैटर्न बनाया हुआ है। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसी पैटर्न पे उनको रन करनी है यहाँ पर। तीसरा, सब्जेक्ट शुड कंप्लीट द पैटर्न बाय 3 times। मान लो कि वो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो दौड़ कर एक बार ए पर ही आ रहे हैं, ठीक है, अगर ए से उन्होंने स्टार्ट किया फिर वो ए पर ही आ गए, इस तरह से किसी भी एक पार्टिसिपेंट्स को किसी भी एक सब्जेक्ट्स को 3 times करना है, ठीक है, 3 times, ठीक है। द सब्जेक्ट शुड वार्म अप बिफोर रनिंग इन जिगजैग पाथ। देखो 3 times करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो जाता है, किसी के लिए यहाँ पर स्टेमिना की जरूरत होगी, तो आप अपने आप को टेस्ट में भाग लेने से पहले वार्म अप करो, ठीक है, आपकी बॉडी थोड़ी सी स्फूर्ति आ जाएगी बॉडी में, आप बॉडी आपकी टोनअप हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि आप यहाँ पर इसमें जिगजैग पाथ वाले रन पे दौड़ने से पहले अपने बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लो, ठीक है। और लास्ट में कि मेजरमेंट इज टेकन इन मिनट्स एंड सेकंड, ठीक है, जो मेजरमेंट्स यहाँ पे होने वाली है वो मिनट्स एंड सेकंड में यहाँ पे होने वाली है। तो ये आपका था जिग जैग रन। मैं इसको फिर से अगर मैं रिवाइज कराऊं तो यहाँ पर आपको 16x10 का एक स्पेस खोजने की जरूरत है, ठीक है, वो फ्लैट सर्फिसेस होने चाहिए, अगर घास वगैरह ज्यादा है तो कुछ उसे हटा देना है, अगर कम है तो चलेगा वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को 5 ऑब्स्टेकल्स की जरूरत पड़ेगी जो मार्केट में मिल जाता होगा आसानी से, ठीक है। और लास्ट में है कि स्टॉप वॉचेस, ठीक है, ये टेस्ट होने वाला है आपके एजिलिटी एंड स्पीड को बताएगा, ठीक है। और इसका जो प्रोसीड्योर क्या है कि आपको स्टैंडिंग स्टैंड पोजीशन में आ जाना है, ट्रेनर एक कमांड देंगे गो का, गो से स्टार्ट करना है यहाँ से ए से, ठीक है, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा घिचमिच हो गया है तो मैं आपको बता दिया कि ए से मान लो कि यहाँ से स्टार्ट गए, कुछ ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आए, फिर इस तरह से कुछ कंप्लीट करना है। लेकिन मान लो कि आप ए से ए पे आ रहे हो तो इस तरह से आपको 3 बार करना है, ठीक है। और आपके जो यहाँ पे मेजरमेंट्स यहाँ पे आपके होने वाले हैं वो मिनट्स एंड सेकेंड में होने वाले हैं, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थर्ड टेस्ट के बारे में अगले वीडियो में बात करने वाले हैं।